इस वीडियो में हंसने के तत्व शामिल हैं, तो कृपया इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड पे बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। ये चल बे, चालू कर। हर साल की तरह इस साल भी सीबीएसई ने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया, और हर साल की तरह इस साल भी किसी घर तालियां बजी तो किसी घर गालियां। मेरे घर तो ढोल नगाड़े डमरू बाजे सब बजे हैं। ये क्या है? बोर्ड्स के परसेंटेज है। अच्छा, इसको भीख नहीं कहते? कह सकते हैं, आपके ऊपर है। और उसके बाद मम्मी ने तो पुष्प की वर्षा कर दी। पुष्प मतलब फूल, फूल बोले तो फ्लावर। करम जले कलमू है, कहा था ना पढ़ ले, अगर पढ़ लिया था तो ये हाल होता था। और उसके बाद पिताजी ने गोवा की टिकट करा दी, कहा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। अरे वाह, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो क्या? अरे इसमें तो मेरे भी कपड़े, मैं भी जा रहा हूं क्या साथ में? अरे मैं बता रहा हूं, मजा आ गया एकदम। ओ सॉरी, मैं तो मुद्दे से भटक गया। मेरे केस में मेरे तो अच्छे मार्क्स आ गए, पर जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए उनका क्या? उनकी इज्जत और सम्मान का क्या? क्योंकि हाल ही में कतवारू सिंह पीटरसन के रिसर्च में बड़ी चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं। कम मार्क्स आने पर घर वाले अपने बच्चों के लिए कुत्ता, कमीना और धरती पे बोझ जैसे शब्दों का यूज करने लग रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं वही खोई हुई इज्जत आपको वापस दिलाऊंगा जो आपके कम मार्क्स आने की वजह से छीन ली गई है। तो आपको क्या करना है? नहीं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करना, इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना, नॉर्मल स्पीड पे, स्किप करके मत देखना यहां से, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वीडियो दो स्टेजेस में होने वाली है, द फर्स्ट स्टेज एंड द लास्ट स्टेज। जो जो चीजें मैं करूंगा वो चीजें आपको भी करनी होगी, तो फिर आपको सिंपल आपकी इज्जत और सम्मान आपको वापस मिल जाएगा। तो जैसा मैंने कहा था, फर्स्ट स्टेज एंड द लास्ट स्टेज। अगर फर्स्ट स्टेज फेल हो गया तो वी विल गो टू स्टेज टू, जो कि थोड़ा टफ है, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। स्टेज वन विच इज बेस्ड ऑन अ थीम, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। क्या मतलब लाइफ प्रैक्टिकल चाहिए तुम लोग को? देखो मेरे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन तुम लोग के लिए मैं ये सब कर रहा हूं, मतलब नाटक जो कर रहा हूं तुम लोग के लिए कर रहा हूं। तो तुम लोग इसको देखो और कॉपी पेस्ट करो, सिंपल। ओके, तो चलो फिर। कक्षा दसवीं फेल छात्र ने किया स्टार्टअप, बना करोड़ों का मालिक। कक्षा दसवीं फेल छात्र ने किया बकवास, तो बाप ने किया प्रॉपर्टी से बेदखल। इलॉन मस्क का बड़ा बयान, कहा अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, सो प्लीज फोकस ऑन योर स्किल्स। हाँ बिल्कुल सही कहा है, अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, इट विल डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। फेल प्लान था, ये पहले ही से फेल था, लेकिन अगला वाला बवाल है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। मम्मी माना कि मेरे थोड़े खराब मार्क्स आ गए। थोड़े खराब? हाँ मतलब बहुत खराब मार्क्स आ गए, और इसमें मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरे खराब मार्क्स आए। और मार्क्स मैटर भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मार्क्स मैटर नहीं करते, पर कितने मैटर करते हैं? क्या मार्क्स ही सब कुछ है? इसके अलावा सब खत्म, मतलब मैं अब कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। अब जैसे आपको ही देख लो, आपके कितने मार्क्स आए थे? मतलब आपके बोर्ड्स में कितने परसेंटेज आए थे? हाँ ठीक ठाक आए थे। हाँ तो फिर क्लियर है, जिसे घर खुद शीशे के बने होते हैं वो दूसरे घर पत्थर नहीं मारते। मैंने स्टार्टिंग सही किया था, बस मैंने लास्ट में हक दिया, लेकिन अभी क्लाइमेक्स बाकी, और डरना नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। बकवास नहीं करता हूँ, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। पिताजी मानता हूँ मेरे खराब मार्क्स आए थे, पर आप हमको तभी डांट सकते हैं जब आपके मार्क्स हमसे ज्यादा आए। तो पहले आप बताइए आपके बोर्ड्स में कितने परसेंटेज आए थे? मानता हूँ मेरे सारे प्लान फेल हो गए, लेकिन मेरी वो वाली बात सही हो गई ना, ज्यादा था ज्यादा क्या ही हो गया। अबे जो मैंने किया वो करने मत लगना, वरना जो मेरी हालत हुई है ना तुम लोग की भी वही होगी। बाकी यहाँ तक देखे हो तो वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है ना, तो जैसी भी लगी हो कमेंट कर दो, और इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि अगली लॉन्ग वीडियो में और जल्दी बनाऊं। एम फॉर 5K लाइक। और कुछ हमसे बात बात करना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ @ अरुण रघुवंशी। चलो बाय बाय, टेक केयर।